सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव टॉक। हाउ टू ऑर्डर पीवीसी आधार कार्ड ऑनलाइन, प्लास्टिक आधार कार्ड घर बैठे कैसे मंगाए, घर बैठे अपने मोबाइल से प्लास्टिक आधार कार्ड कैसे ऑर्डर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से प्लास्टिक आधार कार्ड मंगा सकते हैं। दोस्तों प्लास्टिक आधार कार्ड हर व्यक्ति के पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्लास्टिक आधार कार्ड की कई सारे बेनिफिट्स है। मैं एक दो बेनिफिट्स आपको बता देता हूँ। दोस्तों पहला बेनिफिट्स है, प्लास्टिक आधार कार्ड पानी में गीला होने से भी कुछ नहीं होता है। और दूसरा बेनिफिट्स है, ये प्लास्टिक आधार कार्ड आप बहुत ही आसान तरीके से कोई भी वॉलेट में कैरी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसे घर बैठे पीवीसी आधार कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो हेलो दोस्तों, दिस इज संजीव कुमार, यू आर वॉचिंग संजीव टॉक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके पीवीसी आधार कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर और आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये टाइप करके कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कितने लोग पीवीसी आधार कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं और आप लोग किस राज्य से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से पीवीसी आधार कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों पीवीसी आधार कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में आना होगा। दोस्तों मैं इस वेबसाइट का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक से इस वेबसाइट में डायरेक्ट आ सकते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट में आने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, उसके बाद दोस्तों ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड का ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह एक पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये पेज ओपन होने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, उसके बाद दोस्तों अब आपका आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी नंबर या फिर ई आईडी नंबर टाइप करके आप प्लास्टिक आधार कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर पाएंगे। दोस्तों मैं मेरा आधार नंबर टाइप करके पीवीसी आधार कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा। तो दोस्तों मैं मेरा आधार नंबर टाइप कर देता हूं, उसके बाद दोस्तों नीचे कैप्चा कोड यानी कि सिक्योरिटी कोड टाइप कर देता हूं, उसके बाद दोस्तों नीचे सेंड ओटीपी बटन के ऊपर टैप कर देता हूं। दोस्तों आपका आधार कार्ड के साथ यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप इस माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर चेक बॉक्स के ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप कोई भी एक मोबाइल नंबर को टाइप करके सेंड ओटीपी बटन के ऊपर टैप करके अब आप कभी भी आधार कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर पाएंगे। दोस्तों मेरा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो मैं इस चेक बॉक्स को अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों सेंड ओटीपी बटन के ऊपर टैप कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह इंटरफेस आप देख पाएंगे। दोस्तों सेंड ओटीपी बटन के ऊपर टैप करने के बाद मेरा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी आ जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों मेरा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी आ गया है। दोस्तों 6 डिजिट का ओटीपी आने के बाद आप उस 6 डिजिट का ओटीपी को यहाँ पे टाइप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट बटन के ऊपर टैप कर दीजिए। दोस्तों सबमिट बटन के ऊपर टैप करने के बाद और एक नया पेज ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों एक नया पेज ओपन हो गया है। दोस्तों इस पेज में आपका आधार कार्ड का ऑल डिटेल्स रहेगा, आपका फोटो, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और आपका एड्रेस रहेगा। दोस्तों यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स चेक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, उसके बाद दोस्तों मेक पेमेंट बटन के ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों 50 रुपया का एक पेमेंट करके अब आपका पीवीसी आधार कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर पाएंगे। दोस्तों मैं मेक पेमेंट बटन के ऊपर टैप करने के बाद ये पेज में आ गया हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे एक पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके 50 रुपया का पेमेंट कर देता हूँ। दोस्तों मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करूँगा, इसलिए कार्ड्स का ऊपर टैप कर देता हूँ। दोस्तों कार्ड्स का ऊपर टैप करने के बाद आप यहाँ पे आपका कार्ड नंबर, उसके बाद दोस्तों एक्सपायरी डेट, उसके बाद दोस्तों सीवीवी नंबर, उसके बाद दोस्तों नेम ऑन कार्ड यानी कि दोस्तों आपका कार्ड में क्या नाम है, ये सब कुछ टाइप करके पेमेंट कंप्लीट कर दीजिए। दोस्तों मैं मेरा कार्ड का ऑल डिटेल्स टाइप कर दिया हूँ। दोस्तों आप मैं
इस चेक बॉक्स को अनचेक कर देता हूँ। दोस्तों ये चेक बॉक्स अनचेक करने के बाद आपका डेबिट कार्ड का डिटेल सेव नहीं होगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इस चेक बॉक्स को अनचेक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड बटन के ऊपर टैप कर दीजिए। दोस्तों प्रोसीड बटन के ऊपर टैप करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये पेज ओपन होने के बाद अब ऊपर में मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करके सबमिट बटन के ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका खाते में रजिस्टर मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे टाइप करके सबमिट बटन के ऊपर टैप कर दीजिए। दोस्तों मेरे खाते में रजिस्टर मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी आ गया है। उस ओटीपी को यहाँ पे मैं फिलअप करके सबमिट बटन के ऊपर टैप कर देता हूँ। दोस्तों सबमिट बटन के ऊपर टैप करने के बाद 50 रुपया का पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों 50 रुपया का पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। दोस्तों पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए। दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद इस डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट बटन के ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों मेरा पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड हो गया है। दोस्तों पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद बैक बटन के ऊपर टैप कर दीजिए, यानी कि दोस्तों इस पेज में आ जाइए। दोस्तों इस पेज में आने के बाद पीवीसी आधार कार्ड की स्टेटस चेक करने के लिए चेक स्टेटस बटन के ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये पेज ओपन होने के बाद आपका आधार नंबर टाइप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों नीचे कैप्चा कोड टाइप कर दीजिए, यानी कि दोस्तों सिक्योरिटी को टाइप करके सेंड ओटीपी बटन के ऊपर टैप कर दीजिए। दोस्तों सेंड ओटीपी बटन के ऊपर टैप करने के बाद आपका आधार कार्ड में जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का ओटीपी चला जाएगा। दोस्तों उस ओटीपी को आप यहाँ पे टाइप करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट बटन के ऊपर टैप कर दीजिए। दोस्तों यदि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप इस माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर चेक बॉक्स का ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप कोई भी एक मोबाइल नंबर को टाइप करके आपका पीवीसी आधार कार्ड की स्टेटस चेक कर पाएंगे। दोस्तों मेरा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो मैं इस चेक बॉक्स को अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों सेंड ओटीपी बटन के ऊपर टैप कर देता हूँ। दोस्तों सेंड ओटीपी बटन के ऊपर टैप करने के बाद 6 डिजिट का ओटीपी आ जाएगा। दोस्तों उस ओटीपी को यहाँ पे टाइप करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों सबमिट बटन के ऊपर टैप कर दीजिए। दोस्तों सबमिट बटन के ऊपर टैप करने के बाद पीवीसी आधार कार्ड की स्टेटस देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट रिसीव्ड हो गया है। दोस्तों अब इसी तरह प्लास्टिक आधार कार्ड ऑर्डर करके उस प्लास्टिक आधार कार्ड की स्टेटस चेक कर सकते हैं। और दोस्तों बस इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी तरह ट्रस्टेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए संजीव टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।